हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि आज एक्सपायरी के दिन हमने कौन कौन सी ट्रेड की और उसके पीछे का लॉजिक क्या था, और उसके बाद बात करेंगे कि निफ्टी के मूवमेंट के एनालिसिस, और लास्ट में बात करेंगे कल फ्राइडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अपन चलते हैं एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल में। तो आज जो हमारी एजुकेशनल ट्रेड थी वो थी निफ्टी की 19,500 की कॉल, जिसमें अराउंड हमें 60 से लेकर 80 तक का मूवमेंट देखने को मिला। इसमें अराउंड हमें 33% का रिटर्न देखने को मिला, साथ ही साथ 20 पॉइंट्स का हमें मूवमेंट देखने को मिला, जिसमें हमारा सेकंड टारगेट हिट होते हुए देखने को मिला। तो ये था हमारी ट्रेड का मूवमेंट का एनालिसिस। अब चलिए चलते देखते हैं चार्ट पे ट्रेड का लॉजिक क्या था। अब अपन आ गए निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, उसके बाद गैप अप ओपनिंग के बाद एक हमें यहाँ पे इनसाइड कैंडल देखने को मिली थी 9:30 वाली ये रेड कैंडल। और जैसे ही इन दोनों कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो, वहाँ से एक हमने 19,500 वाली कॉल में इनिशिएट की थी अपनी ट्रेड, और वहाँ से एक हमें वन वे मूवमेंट मिला अराउंड 30 पॉइंट्स के आसपास का। उसके बाद थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भरा आज का दिन रहा निफ्टी के लिए, और उसके बाद हमें एक हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला था, जो कि एक हमें सेकंड हाफ में ये थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम सा ही देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक हमें रेंज में बहुत टाइम तक ट्रेड होने के बाद एक हमें वापस से ब्रेकडाउन दिया, फिर वापस हमें रेंज देखने को मिली, और यही काम हमें अराउंड 11:30 के बाद से हमें ये साइडवेज सा ही मोमेंटम देखने को मिला है। तो ऐसे में हमारे प्रीमियम उस हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं हुएंगे जिस तेज़ी से हमें नीचे आते हुए निफ्टी देखने को मिला है। तो और उसके बाद हमें क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी के अराउंड 19,380 के लेवल की। तो ये था हमारी ट्रेड का लॉजिक और आज के निफ्टी के मूवमेंट का एनालिसिस। अब चलिए देखते हैं कि कल के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं जहाँ पे अपन को एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले अपन चलेंगे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में। तो दोस्तों अब अपन आ गए डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में। यहाँ पे आपको देखने को मिला, अगर मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाऊं, तो डाउन साइड का एक प्राइस एक्शन हमें 20 जुलाई से देखने को मिला था। एक हमें यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला, फिर एक वापस पुल बैक मिला, फिर एक यहाँ पे डाउन साइड को मिला, एक यहाँ वापस पुल बैक मिला, फिर एक यहाँ पे डाउन साइड को देखने को मिला था, फिर यहाँ पे अपन को पुल बैक देखने को मिला था, और अभी पिछले हफ्ते यहाँ तक का हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला, और हमें यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक हमें रेड कैंडल देखने को मिली है इस हफ्ते, जो कि एक हमें बेयरिश सिग्नल देखने को मिल सकता है अगर ये वाला स्विंग लो ब्रेक करेगा डेली टाइम फ्रेम में, इसके नीचे अगर क्लोजिंग हुई जो कि 19,250 के आसपास का लेवल, तो एक हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये एक हमें पुल बैक देखने को मिल गया है आज के दिन, अगर और हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला तो हमें नीचे ये सारे गैप फिल होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि अराउंड हमें गैप आपको देखने को मिलेंगे, और सीधे जो टारगेट बनेगा वो सीधे ये वाला लेवल पहले रहेगा जो कि अराउंड 19,880 का, और डाउन साइड में ये लेवल जो कि है 18,630 का। तो ये डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है अगर 19,250 के नीचे डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिले तो। अप साइड का बुलिश अपन तभी होंगे निफ्टी में जब ये लेवल ब्रेकआउट करेगा जो कि है 19,650 का। आज एक अच्छा मौका था निफ्टी के पास, पर ऊपर से एक हमें रिजेक्शन देखने वाला, एक हमें एक बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली है, और ये शायद डाउन ट्रेंड का एक हमें पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा और डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देखने को मिलेगी 19,250 की, तो एक हमें और डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहाँ देखेंगे कि कल फ्राइडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक हमें बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब अपन आ गए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले अपन बात करेंगे डाउन साइड की मोमेंटम अपन को कहाँ देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन करेगा जो कि अराउंड 19,365 का लेवल, तो एक हमें यहाँ से डाउन साइड की मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि पहले अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल जो कि अराउंड 19,316 का लेवल, और अगर इसके नीचे भी सस्टेन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट रहेगा फिर ये वाला लेवल जो कि अराउंड 19,290 के आसपास का, और अगर इसके नीचे भी जाता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये लेवल रहेगा जो कि 19,250 का, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 19,200 का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में अगर 19,365 के नीचे ब्रेक डाउन करता है निफ्टी तो। अब चलिए देखते हैं अपसाइड की मोमेंटम अपन को कहाँ देखने मिलेगी। अपसाइड मोमेंटम अपन तभी देखने मिलेगी जब ये लेवल ब्रेकआउट करेगा जो कि 19,490 का लेवल। अगर ये अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा तो एक हमें ऊपर की मोमेंटम देखने को मिल सकती है निफ्टी में, जिसमें कि अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा पहले ये वाला लेवल जो कि अराउंड 19,550 का लेवल, और अगर इसके ऊपर भी निकलता तो सीधे फिर अगला टारगेट रहेगा ये लेवल जो कि 19,585 का, और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा जहाँ पे निफ्टी को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल जो कि अराउंड 19,622 का, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये लेवल जो कि अराउंड 19,650 के आसपास का।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। अगर 19,490 को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है निफ्टी, तो अगर निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करे जो कि ये वाले, तो यहाँ पे अगर अपन ट्रेड नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन को साइडवाइज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले, क्योंकि यहाँ पे अपन को प्रीमियम डीके भी देखने को मिल सकता है। और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि 19,490 का अपसाइड में लेवल, और डाउन साइड में अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन होता है जो कि 19,365 का, तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे निफ्टी। चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है कि, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो डाउन साइड से अगर अपन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करें और अगर ऐसे एक्सटेंड कर दें तो अपन को एक बहुत अच्छी डाउन साइड के लिए ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। अगर कल इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ 19,365 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेकआउट करेगा तो एक हमें बहुत अच्छी डाउन साइड में ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो इस ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड लाइंस और एजुकेशनल ट्रेड पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।